छिंदवाड़ा जिले में रंगपंचमी मनाई गई, जो कि ऐतिहासिक रही। इस रंगपंचमी महोत्सव का भव्य आयोजन रंगपंचमी उत्सव समिति के द्वारा किया गया। छोटे बाजार श्री राम मंदिर, श्री बड़ी माता मंदिर एवं सभी देवी देवताओं को गुलाल अर्पित कर पूजन कर उत्सव का रंगारंग आरंभ हुआ और छिंदवाड़ा में पहला ऐतिहासिक रंगोत्सव चल समारोह निकाला गया। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर की रंगपंचमी विश्व प्रसिद्ध है। आज रंगपंचमी के अवसर पर छिंदवाड़ा में भी बड़े शहरों की तरह होने वाले रंगपंचमी महोत्सव का नजारा देखने को मिला, जिसमें गुलाल बिखेरने वाले अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित चल समारोह विशाल जन सैलाब के साथ मेन रोड गोलगंज, फव्वारा चौक, इंदिरा तिराहा होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पहुंचा, जहां पर रंगपंचमी महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा शक्ति, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठन, आम जनता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। छिंदवाड़ा प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा भी शहर में जगह जगह उत्तम व्यवस्था की गई। पुलिस की निगरानी चप्पे चप्पे पर रही। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस बल के जवान मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी लोगों ने मिलकर के और जो समिति बनी थी रंगपंचमी उत्सव समिति, उसके सभी एक एक सदस्य ने मिलकर के काम किया, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम था ये। दो दिन पहले विचार आया, फिर उसमें निर्णय लेना, फिर उसमें कार्यक्रम करवाना, तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला कार्यक्रम था। समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर के पूरी 24 घंटे काम करे और कार्यक्रम को सफल बनाया है। और वैसे छिंदवाड़े के युवा, छिंदवाड़े की, मैंने इसके पहले भी कहा कि रंगपंचमी छिंदवाड़े की थी और जीत छिंदवाड़े के लोगों की हुई है। निश्चित तौर पर इतना कम समय में सफल कार्यक्रम हुआ है, इसलिए मैं सभी समिति के सदस्यों का, छिंदवाड़े के समस्त युवाओं का, नागरिकों का, और साथ साथ अनाज व्यापारी संगठन है, हमारे फूल व्यापारी संगठन है, सीमेंट व्यापारी एसोसिएशन है, सिंधी समाज, विश्व हिंदू परिषद, लोहा सीमेंट वाले, सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मीडिया का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, हमारे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।